क्या डिफरेंस है यूनिफॉर्म सर्कुलर और नॉन यूनिफॉर्म में? मान लो एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन में है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन में, और सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसके केस में, जैसे सपोज किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो इसकी जो स्पीड है सपोज वो 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे, तो स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी इसमें? सेम। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो स्पीड सेम रहेगी, पर क्वेश्चन है क्या इसमें एक्सेलरेशन होगी? हाँ या ना? होगी। कौन सी? सेंट्रिपेटल। कहाँ करेगी? टुवर्ड्स सेंटर, चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ही एक्ट करेगी। और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस आर, ठीक है। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि बॉडी की क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस तो इससे क्या जनरेट होती है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो क्या ये स्टेप यहां तक सबको क्लियर है? लेकिन सपोज मैं ये बोलता हूं कि मैं बॉडी को घुमाना चाहता हूं, लेकिन कैसे घुमाना चाहता हूं? मैं ऐसे घुमाना चाहता हूं कि यहां पर यहां पर यहां पर या यहां पर, इस तरीके से। यहां पर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, मैं चाहता हूं अगले इंस्टेंट पर वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड, अगले पे 3 मीटर पर सेकेंड, अगले पे 5 मीटर पर सेकेंड, अगले पे 7 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन। तो मैंने स्पीड क्या कर दी? चेंज। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या इसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी? हाँ या ना? स्पीड तो लेकिन चेंज हो रही है, होगी, क्योंकि बॉडी किस में घूम रही है? इन अ सर्कल में घूमती बॉडी की सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन 101% होगी ही होगी। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी। अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होगी उसकी जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। अब क्योंकि वी इंक्रीज हो रहा है तो सेंट्रिपिटल भी इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि ये इंस्टेंटेनियस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है जो हर इंस्टेंट पर वी के साथ अपनी वैल्यू को क्या करेगी? चेंज। इसका होने का रीजन सिर्फ एक है, और वो क्या है? डायरेक्शन का क्या होना? चेंज होना। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है। लेकिन एक और बात समझो, कोई मुझे ये बोलता है बहुत बड़ा चक्कर काटना है हमें, 50 किलोमीटर का चक्कर काटना है, तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? कुछ देर के लिए सीधा चलाऊंगा, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मुझे चलना है, कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहे, तो 2 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन चेंज, फिर 2 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन चेंज, ऐसे चलाऊंगा। तो ऐसे केस में कौन सी एक्सेलरेशन आ जाएगी? सेंट्रिपिटल। तो अगर मैं केस चेंज करूं, मैं ऐसे चलना चाहता हूं, चक्कर बहुत बड़ा है सर्कल का, तो आप खुद सोचो, आप इमेजिन करो कि आपको पता ही नहीं कि बॉडी सर्कल में घूम रही है, आप सड़क पे खड़े थे और मैं सामने से निकल रहा था, अपनी कार चला रहा था 2 मीटर पर सेकेंड, 2.1 मीटर पर सेकेंड, 2.2, 2.3, 2.4, फिर उसके बाद डायरेक्शन मैंने चेंज की 3, 3.1, 3.2, 3.3। तो जब मैं यहाँ 2, 2.1, 2.2, क्योंकि बहुत बड़ा चक्कर में कुछ देर मेरे को सीधा भी जाना पड़ेगा, तो जब मैं कुछ देर सीधा जा रहा था और अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था, आप रास्ते में खड़े तो आपने पूछा सर आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है लग रहा है, मैंने कहा इंक्रीज हो रही है, तो कह रहे सर आपकी ना गाड़ी की एक्सेलरेशन है इसका मतलब, मैंने कहा हाँ एक्सेलरेशन तो है। अब आपको तो पता नहीं सर्कल में घूम रहा हूँ, आपके हिसाब से मैं सीधा जा रहा हूँ, तो मैंने पूछा तेरे को एक्सेलरेशन के बारे में पता है? आपने कहा हाँ पता है। मैंने कहा बोल कहाँ एक्सेलरेशन? वो कहता इस तरफ है, क्योंकि आपकी गाड़ी की स्पीड भी ऐसे इंक्रीज हो रही है तो आपकी एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, राइट? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो एक्सेलरेशन भी स्पीड इंक्रीज करने की वजह से कैसी होगी? टेंजेंशियल ही होगी। लेकिन अगर मैंने गाड़ी की डायरेक्शन चेंज की तो मुझे मालूम है कि वहां पर एक और एक्सेलरेशन रोल प्ले करने वाली है जिसका नाम है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपिटल होने का रीजन डायरेक्शन चेंज होना है, और अगर मेरी स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो एक नई एक्सेलरेशन अपना रोल प्ले करने वाली है। जैसे मान लो मैं यहां से यहां सीधा जा रहा था तो मेरी वेलोसिटी टेंजेंशियल थी, तो
तो मेरी एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल होगी, और इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये तब एग्जिस्ट करती है जब गाड़ी अपनी स्पीड को क्या करती है, चेंज। अगर गाड़ी अपनी स्पीड चेंज नहीं करती, 2 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड ही जाती है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे केस में क्या रहती है, जीरो। सिर्फ सेंट्रीपेटल है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसमें क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, क्योंकि इसमें स्पीड भी चेंज हो रही है, तो स्पीड चेंज होने की वजह से एटी टेंजेंशियल और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एसी। अब इस केस में दो दो एक्सेलरेशन रोल प्ले करेंगी, टेंजेंशियल भी और सेंट्रीपेटल भी। क्या ये स्टेप समझ में आ रहे हैं, किसमें, जब बॉडी की स्पीड क्या हो रही होगी, चेंज। तो इसका मतलब क्या मैं ये सब ऐसा बोल सकता हूं कि सपोज करो मेरे पास कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, और मान लो मैं यहां पर हूं, मेरी स्पीड क्या हो रही है, चेंज, मेरी डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज। तो ऐसे केस में जब स्पीड चेंज हो रही है तो कौन सी एक्सेलरेशन है, एटी, ये सेंटर है, डायरेक्शन की वजह से क्या है, एसी। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहां एक्ट करती है, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड रेडियस, इसलिए इसका दूसरा नाम है रेडियल एक्सेलरेशन, टुवर्ड रेडियस। रेडियल या सेंट्रिपिटल एक ही बात है, तो रेडियल या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट आपस में एंगल क्या बनाते हैं, हमेशा 90। ऐसे केस में नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर वो पूछे क्वेश्चन में, तो नेट एक्सेलरेशन ऐसे केस में क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। लेकिन ऐसा तब होगा जब बॉडी अपनी स्पीड को क्या कर रही होगी, चेंज। और अगर स्पीड चेंज नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, तो एसी तो होगा लेकिन एटी नहीं होगा, तो अकेला एसी हो जाएगा। तो क्या यह बात समझ में आ रही है। और अगर इस बॉडी का मास एम है, तो टूवर्ड सेंटर कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट। और टेंजेंशियल में कौन सी फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है। तो नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स की वैल्यू ऐसे केस में होगी अंडर रूट ऑफ एम एट इंटू एटी का स्क्वायर प्लस एम इंटू एसी का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो ये कॉन्सेप्ट तब लगता है जब बॉडी अपने डायरेक्शन को क्या करती है, वैल्यू के साथ चेंज। क्या ये स्टेप क्लियर है। अब एक चीज बताओ मुझे, ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, सपोज आपके पास एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम को मैं यहां से रिलीज करता हूं, ये रहा बॉब, मास एम है, और पेंडुलम सर्कुलर मोशन की तरह ऐसे मूव करता है, ठीक है, सर्कल, वर्टिकल सर्कल ऐसा होता है, पेंडुलम इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, एक हिस्सा है। तो सर्कुलर के कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लगते हैं। तो ये बताओ कि जब पेंडुलम नीचे आ रहा होगा, क्या इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, क्यों, इट इज मूविंग इन अ सर्कल, बिल्कुल होगी। तो ये इसका सेंटर है, पेंडुलम का पूरा सेंटर ऐसे बनेगा अगर पूरा चक्कर काटा जाए, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां एग्जिस्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर। क्या इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, पेंडुलम नीचे आ रहा है, क्या एटी होगा, क्यों होगा एटी, स्पीड चेंज हो रही है, जब पेंडुलम एक्सट्रीम पे है, वेलोसिटी जीरो, नीचे आने में स्पीड बढ़ती 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 जा रही है, इसका मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो जब भी पेंडुलम नीचे आएगा, उसकी स्पीड बढ़ती हुई आएगी और उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी, सेंट्रीपिटल तो करेगी करेगी, टेंजेंशियल भी करेगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो ऐसे केस में जो मैंने यहां लिखा हुआ है पैराग्राफ, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, उस दिन आपने पढ़ने की कोशिश की, ये देखो अब साफ साफ नजर आएगा, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस, इसलिए कौन सी एक्सेलरेशन जनरेट होती है, सेंट्रीपिटल। इफ वैल्यू ऑफ वी वेक्टर आल्सो चेंजेस, दैट इज स्पीड चेंजेस, तो कौन सी एक्सेलरेशन आ जाएगी, टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वी, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होती है, अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। ये बात
सबको समझ में आ रही है?